कांदीवली पश्चिम चारकोप पुलिस स्टेशन की हद में बनी अमेजन फ्लैक्स कंपनी के बाहर श्रमिक उत्कर्ष संगठन द्वारा एक बैनर लगाया गया है और जिसको लेकर तमाम डिलीवरी बॉय इस कंपनी के मालिक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यह तस्वीरें अमेजन फ्लैक्स के बाहर की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम अमेजन में काम करने वाले डिलीवरी बॉय इस कंपनी का विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन को लेकर उत्कर्ष संगठन के जो नेता हैं सिद्धार्थ मिश्रा जी वहां पहुंचे हैं, लगातार लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ता देख पुलिस यहां पहुंची। पुलिस ने भी इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मामला देर शाम होते होते तो बन गया। लेकिन क्या कुछ है इस कंपनी को लेकर, ये हम कार्यकर्ताओं से और डिलीवरी बॉय से बात करेंगे। ये देखिए तस्वीरें हैं जो कंपनी की तरफ से कुछ प्रतिनिधि जो है पुलिस स्टेशन मुंबई अमेजन कंपनी को यहाँ के डिलीवरी बॉय ने बंद कर दिया है। अमेजन कंपनी डिलीवरी बॉय का यह मांग है कि अमेजन द्वारा लगातार इनके साथ अन्याय किया जाता है। क्या कुछ है सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ अमेजन में काम करने वाले तमाम डिलीवरी बॉय यह मांग कर रहे हैं कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वह अमेजन द्वारा नहीं पूरी की जा रही है। दरअसल यह लोग की मांग है कि अमेजन जो है इनके यूनियन श्रमिक सभा जो यूनियन है उसका भी अनादर करते हैं और उसका अनदेखी करते हुए इनके साथ अन्याय करते हैं। तो तस्वीरें एक बार दिखाएंगे कि तमाम जो है अमेजन में काम करने वाले डिलीवरी बॉय के साथ यहाँ अन्याय होता है। फिलहाल जानकारी यह है कि करीब 3.5 साल से यह लोग यहाँ काम करते हैं और इन 3.5 सालों में लगातार यह देखा गया कि इनके साथ कई तरह के कानूनन जो है इनकी बातें नहीं मानी जाती है, क्योंकि कंपनी का सीधे तौर पर कहना है कि यह लोग जो काम करते हैं वह इनके एम्प्लॉय नहीं है, जबकि इनको सैलरी और कुछ लोगों को बोनस भी दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ मांग है हम सुदयाल जी से बात कर लेते हैं। सुदयाल जी, पहली बात ये है कि क्या कुछ मांगे हैं, क्या दिक्कतें वो बताइए। एक्चुअल में हमारी यूनियन को आज आमदार प्रसाद लाड साहब के नेतृत्व में श्रमिक उत्कर्ष सभा आज यहाँ पे 1 साल से हमारे डिलीवरी बॉय के लिए यहाँ पे कार्य कर रही है। लगभग हमारी जो मांग थी हमारे लड़के लोग की, इन लोग के डिलीवरी बॉय की जो मांग थी, वो मांग के साथ हम लोग मैनेजमेंट प्रफुल्ल सेट्ठी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो जब तक यहाँ पे थे तब तक ये नौबत हमें आई नहीं कि हमें अनशन करना पड़े, हमें कंपनी को बंद करना पड़े या कोई भी ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने एक दूसरे से बात करके अपना विषय को सुलझाते थे और कंपनी अच्छी तरीके से चल रही थी। लड़के लोग काम कर रहे थे, जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम थे वो सॉल्व करके देते थे और आज यहाँ पे इन लड़के लोगों का मन दुखी जो किया है, फ्लैक्स के ऑफिसर या फ्लैक्स के कुछ लोग आए और यहाँ पे स्टाफ के लोगों के तरफ से रोज़ का रोज़ लड़के लोगों को प्रताड़ित करना, हरेसमेंट करना, इन लोगों को स्लॉट लंबे का देना, बाकी के लोगों को खास जो लोग हैं जो रात को 90 या 20 पिलाते हैं उन लोगों को नज़दीक का ऑर्डर देना और हमारे लड़के यूनियन से जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को हरेसमेंट करना। और आज एक महाशय आए, उनका नाम तो मुझे पता नहीं, मैं उनसे ही मिलने के लिए आया था, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं यूनियन को जानता नहीं, आमदार प्रसाद लाड कौन है और श्रीधर मिश्रा कौन, प्रसाद लाड को मैं नहीं जानता हूँ, मैं वो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो भड़वे को ये बोलना चाहता हूँ, तुमसे मैं मिलने के लिए हम लोग आए हैं, लाड साहब खुद आए हैं, उन्होंने भेजा है, आपको मिलने के लिए हम आए हैं, आप आइए मिलिए और आपको क्या बात करना है हम बताते हैं आपको। जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक लाड साहब के पास आप सॉरी बोलेंगे नहीं, ये नहीं करें, तब तक हम कंपनी चालू नहीं करने देंगे। और हमारे लोगों की जो मांग है, हमारे लड़के लोगों की जो मांग है, उस मांग को हमें पूरा जब तक करेंगे नहीं तब तक हम आगे बात नहीं करेंगे। लड़के लोगों की मांग जो है उन्हें माननी पड़ेगी। अब तक हम लोग प्यार मोहब्बत से चल रहे थे, अब उनको लिखित तौर पर लाड साहब के नेतृत्व में, लाड साहब के बोलने के हिसाब से हम लोग आगे कार्य करेंगे। तो बिल्कुल लगभग 3.5 साल से काम करने वाले या डिलीवरी बॉय लगातार अपनी मांगों को मांग रहे थे, लेकिन जब उत्कर्ष श्रमिक उत्कर्ष सभा इस पूरे मामले में सामने आई, तब कंपनी की तरफ से कहा गया कि हम सभी मांगे मानेंगे, क्योंकि इनको जो सैलरी आती है अमेजोन की तरफ से आती है। एक तस्वीर दिखा देंगे कि यहाँ तमाम जो लोग हैं वो अमेजन फ्लैक्स कंपनी का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध यही है
कि कंपनी ने जो उनसे वादा किया था वह वादा खिलाफी कर रही है। अब ऐसे में अगर कंपनी इनकी बातों को नहीं मानती है तो यह लोग इसी तरह से आंदोलन करेंगे। फिलहाल चारकोप पुलिस स्टेशन की हद में इलाका आता है, चारकोप पुलिस यहाँ खड़ी है, लेकिन लगातार यह मांगे अभी भी है कि अमेजोन द्वारा जो वादा किया गया था उसे निभाया जाए, अन्यथा यह आंदोलन करेंगे। खास बात यह रही कि दिवाली का मौका है, दिवाली के मौके में सभी कंपनियां ऐसा वादा करती हैं कि तुम्हें दिवाली का बोनस दिया जाएगा, दिवाली का गिफ्ट दिया जाएगा, मिठाइयां दी जाएगी, लेकिन मिठाई तो दूर, इन्हें बेवकूफ बनाया गया है। एक एक मिठाई करके फोटो निकाली गई है और इनके लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हें मिठाई खिला दी जाएगी। तो ऐसे कंपनियों को, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि श्रमिक जो है थे आज हमारे देश की भविष्य है, यही श्रमिक जो है आज पूरे देश को संचालन कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन अगर इनके साथ इस तरह की चीज़ें होती है तो जाहिर तौर पर खेद प्रकट करने वाली बात है। श्रमिक का उत्कर्ष सभा द्वारा जो है, जो उनके प्रमुख नेता है प्रसाद लाड, उन्होंने भी फ़ोन किया था, सिद्धाल जी यहाँ खुद मौजूद हैं, उन्होंने भी बातचीत किया था, लेकिन इन्हें भी अपमानित किया गया, अशब्द किया कहा गया। यही वजह है कि सिद्धाल जी यहाँ खुद आए। फिलहाल एक श्रमिक से ही मैं बात कर लेता हूँ कि क्या मामला है और क्या मांगे हैं और किस तरह का आप लोगों के साथ व्यवहार किया जाए वो बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ शेख है, मैं अमेज़ॉन में लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया मुझे काम करते हुए, अमेज़ॉन फ्लेक्स के साथ में। अमेज़ॉन में तो मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो नया प्रोसीजर है अमेज़ॉन फ्लेक्स, वो 3 साल से ज़्यादा हो गया उसको यहाँ पर आकर। मैं 3.5 साल से इसके साथ काम कर रहा हूँ। लगभग 7-8 महीना जब स्टार्टिंग में कंपनियाँ खुली थी तो उसके लोग आते थे, लोगों से बात करते थे, वजन वगैरह अगर ज़्यादा होता था तो निकाल देते थे, लेकिन उसके बाद जब कंपनी को लगा कि यहाँ पर बेस बन गया है, धीरे धीरे लड़के आ रहे हैं काम करने के लिए, तो उन लोग आना छोड़ दिए। अब 3-3.5 साल के बाद जब उनके लोग आए यहाँ पर बात करने के लिए, हमारी 3 दिन पहले उनके साथ में फ़ोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो भी डिमांड है, जो भी है, जो भी हमने आपसे वादे किए थे पहले, उसमें कुछ अगर रह गया तो हम आपको देंगे। आज वो कह रहे हैं कि हम आपको जानते ही नहीं हैं, आप हमारे एम्प्लॉई नहीं हो, और फिर बाद में कहते कौन श्रमिक उत्कर्ष सभा, कौन शिवदयाल जी, कौन प्रसाद लाड, वो सब बाहर के, तुम हमारे लिए काम करते हो, तो हम किस तरीके से, हम इंश्योरेंस भी 8-8 महीना नहीं मिल रहा है, कैसे होगा। ठीक है, मतलब कि साफ बात है कि जब कंपनी को जरूरत थी तो कंपनी ने तमाम वादे किए और ये माना कि श्रमिक उत्कर्ष सभा जो कहती है हम उसे मानेंगे, लेकिन अब जब समय निकल गया है तो कंपनी भी चाहती है कि इन लोगों को बदल लिया जाए। यही वजह कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और पुराने लोगों को जॉब नहीं दिया जा रहा है, यही उनकी मांग है, और इस मांग को लेकर लगातार यह